लैपटॉप को करने भुगतान का क्या यहाँ पे व्यवस्था हो रही है, इनकी बिजली की क्या समस्या है? क्योंकि बागपत ऐसा जिला है कि जो पूरे प्रदेश में बिजली के सबसे ज्यादा रेट देता है, तो यहाँ पर पता करने में चाहे मीटर लगने लग रहे हैं, भुगतान है नहीं, तो साल में किसान के गन्ने का भुगतान होता है। जो गन्ना हम आज लगाएंगे, दवाई उसमें आज लग रही है, अगले साल हो जाएगा, तीसरे साल उसके पैसे मिलेंगे, तो 3 साल की खेती होगी। ऐसा कोई व्यापार है कि जिसका पैसा 3 साल में मिलता हो? कोई व्यापार दुनिया में हो तो वही बता दो। तो इसीलिए किसान घाटे में है। एक बड़े आंदोलन की देश में फिर जरूरत है। सरकारें बातचीत करने को तैयार नहीं है। समझौते जो दिल्ली का समझौता हो गया, वो भी ऑनलाइन समझौता सरकार ने करा, उसको भी मान नहीं रही है। वो चाहे एमएसपी का सवाल हो या एनजीटी के नाम पे जो ट्रैक्टर तोड़े जा रहे हैं उसका सवाल हो, हमने ये कहा कि एनजीटी में एक बार विचार होना चाहिए, हमको भी तो बैठा लो ना। जज की गाड़ी 10 साल में 50 से 60 हजार किलोमीटर चले, डॉक्टर की 70 से 80 90 हजार किलोमीटर चल जाती होगी 10 साल में, रोडवेज की गाड़ी 10 लाख किलोमीटर चलती है 10 साल में, और किसान का ट्रैक्टर, जज की गाड़ी, डॉक्टर की गाड़ी एक कैटेगरी में आती है। लेकिन यह है कि 10 साल का कर दिया कि कंपनी को फायदा कैसे होगा, वो देश में चल रहा है। हम पूर्ण रूप से अगर सरकारें कोई फैसला गलत लेगी, हम उसका विरोध करेंगे। तो जैसा कि इसमें किसान आंदोलन में कुछ मांगे मान ली थी, कुछ अधूरी रह गई थी, वे अभी तक पूरी नहीं की, ठीक है, अभी पूरी नहीं की। बिजली अमेंडमेंट बिल पे बातचीत हुई थी कि बिजली पे कोई भी होगा तो आप बातचीत करोगे, कोयले की कमी दिखाकर धीरे धीरे करके रेट बढ़ाने का एक पूरा इनका ये चल रहा है। दूध के